हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नोकिया के एवरग्रीन फ़ोन की अनबॉक्सिंग, जो अपने ज़माने में काफ़ी हिट हो चुका था और कंपनी ने जब दोबारा से मार्केट में ओपनिंग करी तो इसे लॉन्च करा 3310। ये आपने सुना होगा इसका नाम, ये काफ़ी पॉपुलर सेट रह चुका था अपने टाइम पर। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं, सो लेट्स बिगेन। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, पहले थोड़ा बड़ा बॉक्स आता था, अब ये थोड़ा छोटा आ रहा है बॉक्स। और ये 2017 में लॉन्च हो चुका था, बट मैंने अभी परचेज़ करा, तो इसलिए मेरे को तो नोकिया का काफ़ी वैसे पहले से क्रेज़ था, तो इसलिए मैंने परचेज़ कराया और काफ़ी अच्छा सेट था, तो मेरी एक चाह थी इसको रखने की, इस वजह से मैंने इसे परचेज़ कराया। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पीछे से कुछ इसमें मेन फंक्शन पर नज़र डाली गई है इसके, और सिंपल सादा सा फ़ोन है, बट फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अल्टीमेट है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, बॉक्स कुछ इस तरीके का देखने को हमें मिल जाता है, और सामने हमें प्यारा सा अपना 3310 दिख रहा है। और सेकेंडरी फ़ोन की तरह तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। देख लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी कॉम्पैक्ट बॉक्स है इसका। ये देख लीजिए, हमारा छोटा सा फ़ोन सामने आ चुका है। क्या बढ़िया इसकी बिल्ड क्वालिटी और लुकिंग है, वैसे ही एवरग्रीन फ़ोन है। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको साइड में रख के और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है बॉक्स के अंदर। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें एयरफोन देखने को मिल जाते हैं, जो आजकल सारे फ़ोनों से गायब हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और क्वालिटी भी इनकी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी वायर है इनकी, तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी इसकी कि इसमें हमें एक एयरफोन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल कंपनियां नहीं दे रही हैं एयरफोन को। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, इसका चार्जर है, और ये भी हमें नए ज़माने के हिसाब से मिला है। इसमें भी USB 2.0 का चार्जर है ये, उसकी रेटिंग भी 5.5 एम्पियर की है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें और क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, ये देख लीजिए, ये हमें बिल है इसका, ये हमें 3100 का पड़ा। फ्रेंड्स, कॉस्ट ज़्यादा है, बट बहुत प्यारा सेट है, सेकेंडरी यूज़ करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ये। और ये कुछ बुकलेट हमें देखने को मिल जाती है इस पर, इसकी तो खैर ज़रूरत नहीं है आज की डेट पर, सिंपल सा फ़ोन है। बट हाँ, अगर आप नोकिया लवर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये फ़ोन बनाया है। तो देख लीजिए, अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके की इसकी क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। वैसे तो आपने पिछले साल देख ली होगी, बट मैं 2018 में आपको दिखा रहा हूँ ये कि वर्थ है नहीं है लेना, ये चीज़ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। तो अभी हम इसका पीछे का पैनल खोल के दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, पैनल ओपन हो चुका है, और देख लीजिए, ब्लैक कलर की नोकिया की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है, और ये 1200 mAh की बैटरी है। फ्रेंड्स, दो तीन दिन मुझे यूज़ करते करते हो गए हैं इसे, और बैटरी बैकअप जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स। मैंने फर्स्ट टाइम चार्ज करा था, उसके बाद दूसरे दिन, दो दिन के बाद ही चार्ज करा फ़ोन को। और देख लीजिए, इसमें 2 SIM लगा सकते हैं आप, और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने 2G मॉडल ले रखा है, अभी ये 4G तक लॉन्च हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। SD कार्ड आप इसमें 32 GB तक का डाल सकते हैं। और देख लीजिए, इसमें कैमरा आपको 2 MP का कैमरा मिल जाता है विद LED फ्लैश, और ऊपर की साइड आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। बैटरी इसकी इंसर्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरा पैक हो चुका है फोन। और फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी की तो आप टेंशन ही मत लीजिए, इसको अगर आप सेकंड फ्लोर से भी फेंक देंगे नीचे तो तब भी कुछ नहीं होने वाला है इसे, इतनी प्यारी बिल्ड क्वालिटी है। क्योंकि पुराने मॉडल की आपको याद ही होगी कि कितनी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी थी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, नोकिया देखने को मिल रहा है, और ये पूरा फर्स्ट बूट हो चुका है हमारा। अब दिखा देते हैं इंटरफेस कैसा है अंदर का। ये देख लीजिए, आपको पुराना ज़माना याद आ जाएगा। और मज़े की बात फ्रेंड्स इसमें यह है कि हमें इसमें स्नेक गेम भी डाल के दिया है, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो। अभी मैं आपको एक चीज़ और सुना देता हूँ फ्रेंड्स इसकी।
ये सुन के तो फ्रेंड्स पुरानी याद ताज़ा होगी ये टून सुन के। बाकी फ्रेंड्स इंटरफेस काफ़ी अच्छा है इसका, इसमें आप गाने भी सुन सकते हैं और इंटरनेट भी चला सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं। और अब मैं आपको स्नेक गेम खेल के दिखा देता हूँ इसमें। अब ये भी थोड़ा नए ज़माने के हिसाब से स्नेक गेम को डेवलप कर दिया है इसमें, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है आपको स्नेक गेम इसमें। ओल्ड मेमोरी को यादें ताज़ा करने के लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं और आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से 33-10 आपको देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली आप इसे परचेज करिए। और फ्रेंड्स कैमरा भी इसका, मैं अगर बात करूँ कैमरे की, तो कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप कार्ड नहीं डालते तो इसमें 16 MB की इनबिल्ट मेमोरी आपको मिल जाती है, जिससे आप 4-5 फोटो स्टोर कर सकते हैं इसमें। बाकी देख लीजिए ये लो लाइट फोटोग्राफी है, तो काफ़ी अच्छी इसमें पिक्चर दिख रही है हमें। अभी तो फ्रेंड्स स्पेस नहीं है। बाकी फ्रेंड्स अगर आप सेकेंडरी फ़ोन की तौर पे अगर एक स्मार्टफोन देख रहे हैं तो इसे डेफिनेटली परचेज करिए, बहुत अच्छा फ़ोन है। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।